सरदार जैतिनेन्द्र, मैं रूपाली जैन सर्वेशा ग्रुप द्वारा आयोजित कॉन्टेस्ट के स्पॉन्सर हैं डंसरी फर्नीचर एंड जैस इंडस्ट्रीज, जिनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की चक्की। ये सबकी बहुत फेवरेट है, सबको बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आइए बनाते हैं। ये मैंने लिया है 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी दूध की मलाई, 2 छोटे स्पून घी और 1 छोटी टेबल स्पून इलायची पाउडर, और उसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इस मलाई को बेसन में ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करके गूंथ लेंगे। ये मैंने इनको अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं और उसका रंग भी चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद करते हैं। अब हम चाशनी की तैयारी करते हैं। जबकि मैंने 1 कप शक्कर ली है, तो मैं ये 1/2 कप पानी लूँगी।
अब हम ये गैस बंद कर देंगे, चाशनी बन के तैयार। अब इस चाशनी को हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच, देखिए मिठाई जम चुकी है। अब मैं इनमें पीसेस बना रही हूँ, कट कर रही हूँ इनका। ये मैंने पीसेस बना ली है और ये बेसन चक्की रेडी है। ये देखिए, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।